बुरहानपुर जिले में डॉग में पाल्वो नामक वायरस फैला हुआ है। यह आमजन को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन वन्य प्राणियों की जान खतरे में है। खासकर तेंदुए इसका शिकार हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक तेंदुआ कुत्ते को खाने के बाद भी बीमार हुआ है। दरअसल 9 जुलाई को नाव्या रेंज के नयाखेड़ा स्थित केले के खेत में एक तेंदुआ आधी बेहोशी की हालत में मिला। वो फिलहाल इंदौर स्थित राला मंडल अभ्यारण्य में आइसोलेटेड है। जिला मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय में हर दिन 5 से 6 डॉग पाल्वो वायरस से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं। पशु चिकित्सक अजय सिंह रघुवंशी ने इसकी पुष्टि की है कि डॉग में पाल्वो वायरस फैल गया है। वन विभाग की टीम ने रेंज ऑफिस लाकर ट्रीटमेंट कराया। स्थिति में सुधार नहीं होने पर इंदौर भेजा गया। वहीं 17 जुलाई को एक मादा तेंदुआ नाव्या रेंज के ही नयाखेड़ा स्थित मामा भांजे की पहाड़ी पर मृत अवस्था में मिला। संभावना जताई जा रही है कि उसकी मौत भी पाल्वो वायरस के कारण ही हुई है। वहीं वन विभाग SDO बुरहानपुर अजय सागर ने कहा कि मृत अवस्था में राजस्व ग्राम नयाखेड़ा में मादा तेंदुआ मिला। उसका शव 2 से 3 दिन पुराना था, जो तेंदुआ आधी बेहोशी की हालत में मिला था। तो मैं अभी इस समय बीमारी चल रही है पाल्वो करके एक वायरस है, जो कि डॉग के अंदर विशेष कर डॉग के अंदर पाया जाता है। और इस बीमारी के सिम्टम्स ये हैं कि एक तो डॉग उल्टी और दूसरा पतली लेटरिंग करना चालू करता है। स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर भी रहेगा 103-104 के आसपास रहता है। और जब इस वायरस में डॉग आ जाता है तो जैसे जैसे डॉग उसके मतलब डे बाय डे इसके सिम्टम्स चेंज होते हैं, डे बाय डे सिम्टम्स चेंज होते हैं, उसमें क्या होता है कि डॉग को ब्लड की लेटरिंग भी चालू हो जाती है। और लेटरिंग भी कदम रखती है कि आप मतलब चाहे वो घर हो चाहे आप जहाँ भी उसको रखते हो आप बैठ नहीं सकते, और रेडिश टाइप के बहुत आते हैं उसमें, और साथ में उल्टी भी रहती है। और इस बीमारी के अंदर मोटिलिटी डॉग की बहुत ज़्यादा है। लगभग ये मान के चलिए कि जब डॉग अगर इस बीमारी में आ गया है तो समझिए कि 50% चांसेस इसके बचने के, 50% चांसेस खत्म हो गए। अभी जो कल हमको मृत अवस्था में मादा तेंदुआ मिला है राजस्व गाँव में नया खेरा उसकी पहाड़ी में मिला है, और उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो 2 से 3 दिन पुराना उसका शव है। और उसके बाद उसका जो नियमानुसार उसका PM करवाया गया, उसका पिछला सैंपल लिया गया है और जांच के लिए लेबोरेटरी भेज रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बोला ना कि इसका हमने सैंपल भेज रहे हैं लैब में जांच के लिए, और आपने जैसे बात कर रहे हैं कि कुछ समय पहले तेंदुआ हमने पकड़ा था, रेस्क्यू किया था, तो उसमें पाल्वो वायरस जो है डायग्नोज हुआ है लेबोरेटरी टेस्ट में, उसमें पाल्वो वायरस पॉजिटिव उसका टेस्ट आया है।